आकाशवाणी रेडियो। आज का खबर पढ़ रहा है संजीव राठौर। आज का विशेष समाचार यह है, हमारे देश के दो फाइटर, शत्रु पक्ष के दो फाइटर प्लेन को भगाकर बनगांव बॉर्डर पर तहस नहस कर दिया गया है। यह लेकर 12 शत्रु फाइटर प्लेन को तहस नहस कर दिए हैं। अपने देश के जवानों में से 4 जवान इस ऑपरेशन में अपने प्राण गंवा बैठे। पर हमारे देश के जवान शत्रु पक्ष के अड्डों पे घुसपैठ किए और अंत तक वापस आ गए। शत्रु पक्ष के बैटन टैंक के कारण वापस आ गए। पृथ्वी के टेक्नोलॉजी जानने वाला देश हमारे शत्रु को बैटन टैंक देकर उसका सहायता किया है। हमारे देश में ऐसे पैटन टैंक नहीं रखने के लिए न जाने कितने जवान शहीद हो गए। बिच्छू, तुम्हें क्या लगता है दुश्मनों के पास जो पैटन टैंक है उसके वजह से हम लोग क्या हार जाएंगे? अरे नहीं रे, इतना आसान है क्या? अरे तू जानता नहीं, हम लोगों ने उसके 2 प्लेन पहले ही उड़ा दिया। आओ आओ, तो चिंता मत कर। अरे नहीं यार, अरे मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। एक काम करते हैं, हम भट्टू भैया के पास जाकर बात करते हैं। आओ, बिल्कुल ठीक बोला है। एक काम कर, अच्छा बात याद दिलाया है, जल्दी चलो भट्टू भैया के पास जाकर बात करते हैं, उनसे कुछ आइडिया मिल जाएगा। आओ। आओ भट्टू भैया, आओ भट्टू भैया, भट्टू भैया आओ। भट्टू भाई, बाटलू भैया, बाटलू भैया, आ बाटलू भैया, ओ बाटलू भैया, आज का खबर सुने हो? सुना है, एक पैटर्न टैंक आया है जो हम लोगों के जवानों को फटाफट मार कर गिरा दे रहा है। आओ और ढिचकाओ ढिचकाओ करके तारक जवानों को गिरा दे रहा है। आओ। अरे ऐसा क्या है? ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। अरे तब तो देखना पड़ेगा। एक काम करो, चलो कर्नल साहब से बात करके देखता हूँ क्या हो सकता है। अरे और ये तो बहुत ही चिंता की बात है। हो रहा कर्नल साहब का घर। अरे चले कॉलिंग बेल जला, जल्दी बजा। अरे बटलू, करेंगे या मरेंगे? अरे सुबह सुबह आज आ गए हो, क्या बात है? और मैं देख रहा हूँ कि 2 चेलों को भी साथ में लेकर आए हो। आए, करेंगे या मरेंगे? आए। अरे हाँ कर्नल साहब, एक बात पूछने आया हूँ। मैंने सुना है कि हम लोगों के जवान सारे मरे जा रहे हैं पेट्रोल टैंक के कारण, ये क्या सच है? हाँ बटलो, तुमने बिल्कुल सही सुना है, इसलिए तो मैं भी तैयार हो गया हूँ, देख लो, युद्ध पे जाने के लिए। क्योंकि करेंगे या मरेंगे, करेंगे या मरेंगे, आए पता नहीं लौट कर वापस आऊंगा भी या नहीं, मगर इस टैंक के वजह से बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। आए, क्योंकि करेंगे या मरेंगे। अरे ठीक है कर्नल साहब, आप टेंशन ना करो, आपके साथ मैं भी युद्ध पे लड़ने के लिए तैयार हूँ और आपके साथ मैं भी चलता हूँ। बटलू, मुझे पता है तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, उस टैंक के सामने मुकाबला करते वक्त अपने प्राण को मत गवा देना। ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो चलो, या करेंगे या मरेंगे। हे गुरु, अब तो बड़ा मजा आएगा, अपने शत्रु पक्ष के सामने जब टैंक जब रहेगा तो अपना भड्डू उड़ जाएगा। तो यार कितना मजा आएगा। बहुत भगर 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 भड्डू किया करता था, लेकिन जब दुश्मन, अरे यार हम लोग आजाद हो जाएंगे, हम लोग जो इच्छा वही करेंगे, अरे यार हम लोगों को कोई रोकने वाला नहीं होगा। आओ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत सोच यार। ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं सोच सकते, क्योंकि बटलू भैया परेशान करते हैं, लेकिन युद्ध में जाकर दुश्मनों के सामने हार जाएंगे यह बिल्कुल मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और बटलू भैया जो भी हो, हम लोग के लिए बहुत मदद किए हैं। आओ कहीं ये सोच ले। आओ अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल हमें नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि भैया भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, बटलू भैया युद्ध में विजय प्राप्त करके आए,
अगर वो विजय प्राप्त करते हैं तो अपना देश का नाम रोशन होगा। हाँ ठीक है बच्चू बिच्चू, अरे तुम लोग घर जाओ, मैं कर्नल से बात करके युद्ध में जाता हूँ। ठीक है बटलू भैया, अरे विजय प्राप्त करके जल्दी घर वापस आएगा, हम लोग तुम लोग चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ये कर्नल साहब, नहीं यार, अरे बटलू भैया का बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। हा? आओ, नहीं नहीं नहीं, तू बिल्कुल चिंता मत कर, और ऐसा भी चिंता करने कोई बात नहीं है, क्योंकि बटलू भैया आज तक हार कर आए नहीं, देखना बटलू भैया विजय प्राप्त करके जरूर वापस आएंगे। आओ कर्नल साहब, शत्रु पक्ष के जो कर्नल है मैं उनसे पहले बात करके देखता हूँ, अगर वो लोग नहीं मानेंगे तो फिर हम लोग देखते हैं क्या किया जाएगा। ठीक है बटलू, तुम सावधान होकर जाना, हाय समझा, तो नहीं तो करेंगे या फिर मरेंगे। याद रखना बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम बटलू है, और आप लोग हमारे देश के जवानों को बिना मतलब के मार मार कर गिरा रहे हैं। अरे इससे तो आपका भी नुकसान हो रहा है और आप लोगों का भी नुकसान हो रहा है, अरे ये सब बंद करो। अरे तुम बटलू हो या फटलू, मुझे कोई मतलब नहीं, और वैसे भी बटलू तुम यहाँ पर मुझे समझाने के लिए आए हो, बहुत बड़ी गलती कर दी बटलू। अरे कोई है, इस बटलू को टैंक में डालकर उसके ही इलाके में फेंक डालो, और ये तो वहाँ पहुँचेगा मगर जिंदा नहीं, राख बनकर, समझे। अरे बरखुदार, ये काम मैं ठीक नहीं किया हूँ ये तुम बोलते हो, अरे ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है पर मेरे लिए तो बिल्कुल ही लाजवाब। अरे ये तो किसी के लिए अच्छा है और किसी के लिए बुरा है बरखुदा। हम लोगों का गोला वापस हम लोगों की तरफ आ रहा है, अरे बाप रे बाप, मैं कहाँ जाऊँ। अरे टैंक से गोले चढ़ाने के बजाय उसके शरीर पे जल्दी से चलाकर मार दो, अरे छोड़ना मत उसे, अरे वरना क्या घटना घटाएगा ये कोई नहीं जानता साईं। अरे मैं जिंदगी में ऐसा इंसान पहले कभी नहीं देखा। अरे जवानों जल्दी से गोली चला चला कर मार डालो इस शैतान को, बहुत परेशान अच्छा है क्या। अच्छा अभी तक समझ में नहीं आया है, को मैं अभी तुम लोगों को सबक सिखाता हूँ। ये कैसा इंसान है, इससे अच्छा तो गोली खाने से पहले खुद मर जाओ, हे भगवान। आ आ आ आ आ आ बचाओ इस शैतान से, आ बचाओ। अच्छी बात रुको, देखो अब मैं क्या करता हूँ, और मुझे देख कर भाग रहे हो, मैं कितना दूर भागोगे, भागो, मैं देखो घुमा घुमा कर कैसे देखता हूँ।
मैं हवा में क्यों उड़ रहा हूँ? मुझे बचाओ, जल्दी बचाओ। मैं हवा में क्यों उड़ रहा हूँ? आए आए, मैं कैसे निकलूं बाहर? अरे कोई मुझे बाहर निकालो, कोई मुझे बाहर निकालो। आए अरे गांव में एक ऐसा पैकेज है जो हवा में उड़ रहा है। कर्नल साहब, मैंने सारे शत्रुओं को पकड़ कर लेकर आ गया हूँ। इन लोगों को जो सजा देना है दो। अब ये हम लोगों के दखल किया हुआ जमीन पर हमारे ही जवान रहेंगे। अब मुझे बहुत खुशी हो रही है। अरे करेंगे या मरेंगे। अरे बटलू, मैं तुम्हें क्या बोलकर धन्यवाद दूँ? देखो हमारे सारे सिपाही तुम्हें धन्यवाद देने के लिए तैयार है। हमारे समझे बटलू, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। और इतना अच्छा काम कर्नल साहब, अरे ये देश के लिए मैं बहुत छोटा सा काम किया हूँ। और अपनी देश के काम के लिए कोई पुरस्कार की कोई जरूरत नहीं, बस ये प्यार मुझे बनाए रखें। ए देखा, हम लोग का नाम रोशन करके आ गए। आओ, बिल्कुल ठीक कहा, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता था। आओ, बहुत अच्छा लग रहा है। आओ। हाँ बटलू, तुम तो ग्रेट हो, तुम लाजवाब हो, देश पे तुमको शान है। आए बटलू, समझे? अरे बटलू द ग्रेट, बटलू द ग्रेट, बटलू द ग्रेट, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो करेंगे और लड़ेंगे। बटलू इज द ग्रेट, बटलू इज द ग्रेट, बटलू इज द ग्रेट। और एक बार सभी को बोलना पड़ेगा, करेंगे या मरेंगे। आए करेंगे या मरेंगे। आए तो मुझे शर्मिंदगी में डाल दे रहे हैं। अरे थोड़ा सा देश के लिए क्या काम क्या कर दिया, ये तो इतना कुछ मेरे लिए करने के लिए तैयार हो गए। अरे दोस्तों, देश के लिए तो काम तुम लोग भी कर सकते हो। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? है ना? अरे बिल्कुल सच कह रहा हूँ।